साइंस सच है कि गॉड सच है, इस पे आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। शायद ये दोनों चीजें एक ही तरफ जा रही हों, दोनों एक ही चीज है। दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज लव फॉर मी। फिजिक्स इज लव। कहा जाता है फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन। ये क्या लिखा है बोर्ड पे? ये कुछ जौ 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 लिखा है बच्चों। ये 15th सेंचुरी का टेक्स्ट है और ये कौन सी भाषा है? जी हां, सबने सही पकड़ा, ये ग्रीक भाषा है। इस लेटर का मतलब होता है फिजिक्स। एक मिनट, इस लेटर का मतलब होता है नेचर। और कहा जाता है कि फिजिक्स इन लेटर्स से ही डिराइव हुई है। क्या है फिजिक्स? एनसीईआरटी हमसे पूछती है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज नेचर। जिस वर्ड का मतलब नेचर है उसी वर्ड से डिराइव हुआ फिजिक्स। मैं तुम्हें कैसे बताऊं व्हाट इज फिजिक्स? कैसे बताऊं व्हाट इज फिजिक्स? ये दिन और रात का होना, ये गर्मी ठंडी बरसात का होना, वो इंद्रधनुष का बनना, वो समुद्र में लहरों का बनना, वो ज्वालामुखियों का फटना, वो तुम्हारी चाय को गर्म करना और वो तारों का ठंडा होना, ये आवाज मेरी जो तुम सुन पा रहे हो और ये लाइट जो तुम देख पा रहे हो, ये घर में जो पंखे चल रहे हैं, ये घर में जो टीवी की स्क्रीन पे इमेज बन रही है, ये सब एक्सप्लेन हुआ है बाय फिजिक्स। थोड़ा शायराना हो गया, क्या करें, इतना तो बनता है फिजिक्स के लिए। साइंस सच है कि गॉड सच है, इस पे आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। शायद ये दोनों चीजें एक ही तरफ जा रही हों, दोनों एक ही चीज हों। दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज लव फॉर मी। फिजिक्स इज लव। तो एक बहुत ही खूबसूरत लेक्चर होने वाला है। फिजिक्स क्या है कुछ फील हुआ, जितने भी लॉज बने, जितनी भी चीजें बनी, सब फिजिक्स से एक्सप्लेन हुई। कहा जाता है फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन। मैं नहीं कहता, जमाना कहता है। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन। केमिस्ट्री वाले नाराज ना हो, केमिस्ट्री इज जस्ट स्टैम्प कलेक्टिंग। ठीक है, स्टैम्प को बटोरना, रटना है, ऐसा कहा जाता है। मिटा रहे हैं इसको। आई एम सो सॉरी जितने लोग का केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट था।